ये रेडी हो गया है, तो देखते हैं इसको। सब्जी एकदम रेडी है, इससे ज़्यादा इसको पकाने का नहीं, क्योंकि दोनों कुक हो गए। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, हम लोग भी अच्छे हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। तो आज मैं बना रही हूँ टोनली की सब्जी। पता नहीं आप लोग इसको क्या बोलते हैं, बहुत से लोग टोनली बोलते हैं और बाकी लोग क्या बोलते हैं मेरे को नहीं मालूम। जो भी कुछ बोलते हैं मेरे को कमेंट करके बताना। तो मैंने इसको इस तरह से काट लिया। अभी इसको थोड़ा सा तेल डाल के कढ़ाई में इसको थोड़ा सा फ्राई नहीं बोल सकते ऐसा, एकदम तेल में छान वाले फ्राई नहीं, खाली इसको अच्छे से भून लेंगे थोड़ा सा। ये थोड़ा अच्छे से लाल हो के, एकदम लाल भी नहीं पर हल्का सा इसको भून लेंगे। तो सबसे पहले कढ़ाई में तेल डाल देते हैं, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, और इसको स्लो गैस पे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से थोड़ा भून लेंगे। तो कढ़ाई मैंने पहले ही रखा, अभी इसको डाल देते हैं। थोड़ा सा हल्का हल्का लाल हो गया तो इसको अच्छे से भून लेंगे। तो थोड़ा स्लो गैस पे, मैंने बाकी मसाला रेडी नहीं किया तो इसको थोड़ा होने देते, तब तक मैं मसाला रेडी करके फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने भाज किया, ये हो गया अच्छे से, इससे ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। अभी इसको प्लेट में निकाल लेंगे, पहले इसको निकाल लेते हैं। अभी तेल डाल लेंगे, तेल आपको जैसा चाहिए आप आपके हिसाब से डालिए। तो सबसे पहले इसमें मैंने मसाला, ये मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं, इसमें एक टमाटर, एक मैंने आलू लिया छोटा साइज का, एक प्याज लिया। आपको आलू चाहिए तो डालिए, नहीं चाहिए तो मत डालिए, पर हम लोग को पसंद है इसलिए डाला। और सबसे पहले प्याज को इसमें तेल में डाल के अच्छे से थोड़ा सा लाल करके फ्राई कर लेंगे। मैं इस तरह से तोड़ के दे दूँ कि एक चिंगल चिंगल हो जाएगा, अच्छे से फ्राई हो जाए। तो लगा हुआ रहता है तो उसको फ्राई होने में थोड़ा टाइम लगता है, उसको अच्छे से थोड़ा सा लाल करके फ्राई कर लेंगे। ये जब तक फ्राई हो रहा है तब तक सूखे जो मसाला है, हल्दी मिर्ची धनिया पाउडर, वो मैं रेडी करके फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। रेसिपी यार इस तरह से मैंने भाज दिया, बहुत ज़्यादा ना हल्का सा मैंने ब्राउन कर लिया। तो अभी इसको ना निकाल लेंगे, मैं साइड में किया कि इसमें से जो तेल है वो निकल जाए। अभी इसमें 5 फोड़न ऐड करेंगे, जैसे कि दिखाया पहले भी मैंने, मेथी जीरा कलौंजी राई सब मिक्स है। तो ये थोड़ी सी मैं इसमें ऐड कर दूँगी, ये डालने से ना सब्ज़ी का खुशबू अच्छा आता है। ये मैंने डाल दिया और प्याज को मैं उठा लूँगी। अभी इसमें ऐड कर देंगे आलू, पर सबसे पहले डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, क्योंकि तेल नहीं तो गैस के ऊपर गिरेगा। आलू थोड़ा तेल में फ्राई भी हो जाएगा और पक भी जाएगा, इसको भी 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से तेल में हो जाने देंगे। तो आलू अच्छे से हो रहा है, इसको ज़्यादा नहीं 1 से 2 मिनट के लिए नीचे करना है तेल में भाजपा। तो ये हो गया, अभी इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर और आलू दोनों एक साथ पाते जाना तो आलू भी अच्छे से गल जाएगा इसके साथ। और इधर जो मैंने मसाला रेडी रखा है, हल्दी धनिया जीरा पाउडर मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा चम्मच से भी कम है, ये मैं ऐड कर दूँ इसके साथ। इसको तेल कढ़ाई के बीच में डाल देते कि इसमें थोड़ा भुनना भी हो जाएगा, अलग से मसाला करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी सब्जी फ्राई किया हुआ है। तो गैस को मैंने थोड़ा हाई किया और अभी इसमें सारे मसाले ऐड कर देंगे। तो इसको ढक के 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे, उसके बाद थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे, फिर आलू और टमाटर दोनों एक साथ अच्छे से पक जाएंगे। फिर तो थोड़ी सी पानी ऐड करेंगे एकदम थोड़ा सा, फिर मसाला काटने के लिए। ये मसाला मैंने मिक्स करने के लिए पानी ऐड किया, ये जब तक मसाला हो रहा है इसको ढक देते 2 से 3 मिनट के लिए। मसाला तो हो गया अच्छे से, देखते हैं आलू कितना पका है। देखिए मैंने टमाटर इसीलिए इस तरह से डाला है, देखो ये कितना अच्छा टमाटर का ग्रेवी भी हो गया, और आलू देखते हैं, और आलू भी देखिए अच्छे से पक गया है।
अभी इसमें ऐड कर देंगे जो फ्राई किया हुआ सब्जी और टोनली, अभी वो इसमें ऐड कर देंगे। ऐसे आप लोग ना इस तरह से सब्जी बनाइएगा, बहुत टेस्टी होता है। और टमाटर मैंने एक पूरा डाला क्योंकि ये थोड़ा सा सब्जी है ना, ऐसा खट्टा खट्टा भी अच्छा लगेगा। टमाटर का ग्रेवी, मतलब ग्रेवी जैसे ही हो गया है, अच्छा लगता है इस तरह की सब्जी, हमें तो अच्छा लगता है। आप लोग कमेंट करके बताना आप लोगों को कैसा लगता है। और मैंने प्याज और सब्जी का काटा इस तरह से सेट किया, आपको जैसा चाहिए आप लोग आपके हिसाब से कीजिए। पर इस तरह से ना ये भी लंबा काटा है, आलू भी और प्याज भी, तो इस तरह से ना देखने में अच्छा लगता है। तो गैस को मैंने स्लो ही रखा, सब्जी तो फ्राई किया हुआ है क्योंकि इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मसाला अच्छे से कुक हो जाए, इसलिए गैस को स्लो करके ढक के इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से स्लो गैस पे रखेंगे। और इसमें नमक ऐड करना है, मैंने नमक मसाले में आप लोगों को दिखाया है, थोड़ा सा डाला था, इसमें नमक ऐड करते हैं। अब इसमें पानी नहीं डालेंगे, ऐसे गैस स्लो रख के अच्छे से ढक के इसको 2 मिनट के लिए पका लेंगे। ये सब्जी देखने में जितना अच्छा है ना, खाने में अपने आप किसी के साथ भी खाओ, राइस के साथ, रोटी के साथ, बहुत टेस्टी लगता है। टमाटर देखिए आप लोग को बिल्कुल नहीं दिख रहा है क्योंकि ये हो गया ग्रेवी, हो गया अच्छे से इसके सब मिक्स होकर। टमाटर है ना सब्जी के साथ पकता है ना, उसमें टेस्ट अच्छा आता है, आप लोग भी बनाते होंगे। इसको ढक देते हैं और 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से होने देते हैं। हो गया, देखते हैं इसको। सब्जी एकदम रेडी है, इससे ज़्यादा इसको पकाने का नहीं क्योंकि ये दोनों कुक हो गए हैं, इसलिए मसाला अच्छे से मिक्स भी हो गया। और टमाटर देखो आप लोगों को दिख नहीं रहा है क्योंकि इसके साथ ही मिक्स हो गया, मसाला लग रहा है ना अच्छा सा, एकदम ग्रेवी सा दिखने में। तो अब इसको ढक देंगे, आपको चाहिए तो आप हरा धनिया डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं डालती, तो गैस को कर देंगे। और कैसे आप लोगों को एक टोली का सब्जी का रेसिपी अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो लास्ट तक देखते रहिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। और एक चीज़, इसका नाम मैंने टोनली बोला क्योंकि यही मुझे पता है, आप लोगों को नाम क्या है बताना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज के लिए बाय, फिर मिलेंगे नया वीडियो के साथ।